नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं किसी भी तरीके से, अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, कुछ भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी निवेश अगर आप शेयर बाजार में करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हो, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, पर अगर आपने इस टॉपिक को नहीं सुना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं चर्चा करने वाला हूं पी नोट्स। जी हां, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नहीं भी सुना होगा, जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स होते क्या है उसको समझने के लिए अगर हम छोटा सा गूगल कर लें तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाती है। बट क्या है कि हमने कभी पी नोट्स सुने नहीं होते तो हम गूगल भी नहीं करते, हमें यह भी समझ में नहीं आता कि इसका इंपॉर्टेंस स्टॉक मार्केट से क्या है। दोस्तों, अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो जुलाई तक का जो डेटा था वहां पे जो टोटल बाइंग इन स्टॉक मार्केट इन 2020 वो 63,000 करोड़ तक की हुई थी। आप सोचेंगे 63,000 करोड़ की बाइंग एफआईज ने स्टॉक मार्केट में पी नोट्स के थ्रू कर डाली। ये क्या है पी नोट्स, आपने कभी सुना नहीं होगा। आपको तो समझ में आता है कि अकाउंट खोलना है, मार्जिन डालना है, पैसा देना है। सेबी हम पे तो बहुत रूल लगाती है कि मार्जिन एडवांस में होना चाहिए, 25% अपफ्रंट होना चाहिए, 30% अपफ्रंट होना चाहिए, आने वाले एक साल के अंदर तो 100% मार्जिन तक भी हो जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर में। तो पी नोट्स क्या तरीका है, क्या आप और हम पी नोट्स ले सकते हैं, क्या आपके और मेरे पास भी पी नोट्स हो सकता है? नहीं। दोस्तों, पार्टिसिपेटरी नोट है क्या पहले वो समझते हैं, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि पार्टिसिपेटरी नोट सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री में वैलिड है, एक ही कंट्री में लीगल है, वो है हमारा देश भारतवर्ष इंडिया। सिर्फ इंडिया में पी नोट्स वैलिड हैं, लीगल हैं, बिल्कुल भी लीगल नहीं है। और किसी भी और कंट्री में अगर आप स्टॉक मार्केट में बाइंग करने की कोशिश करते हैं तो आपको पी नोट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। दोस्तों, पी नोट्स है क्या, बहुत सुन लिया पी नोट्स। समझ के देखिए, इसको थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास बहुत सारा ब्लैक मनी है। देखिए, ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने का भी एक तरीका है, बहुत सारे लोग इस पे भी ट्रॉलिंग कर सकते हैं। यार क्या बोल रहा है, समझिए, ध्यान दीजिए, गूगल कीजिए। अगर आपको मेरी बात में थोड़ी सी भी सत्यता दिखाई देती है तो ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट की किसी भी राइज के अंदर में हमेशा सही पैसा हो ये जरूरी नहीं है। तो जितनी भी वी शेप रिकवरीज मार्केट में आती हैं, जिसके ऊपर मैं बहुत टाइम से कंसर्न दिखा भी रहा हूं, जिसका एक झटका मार्केट ने आज दिया भी है, हो सकता है कोरोना वायरस की सेकंड वेव या एक नया रूप या कोई एक वजह बने, या हो सकता है पार्टिसिपेटरी नोट 2007 की तरह फिर से एक वजह बने इस मार्केट की गिरावट का या प्रॉफिट बुकिंग का। नहीं आती, अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए, आपका पैसा बढ़ रहा है, आपको स्टॉक मार्केट मुबारक हो। पर अगर आप थोड़े से भी चिंतित हैं, अगर आप थोड़े से भी डरे हुए हैं, थोड़े से भी सहमे हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये जो रिकवरी है क्या सस्टेन करेगी नहीं करेगी, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब समझते हैं पार्टिसिपेटरी नोट इशू कैसे होता है, पी नोट्स इशू होते कैसे हैं। ये सिर्फ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जब दूसरे देश में जाके पैसा निवेश करना चाहते हैं, वो दूसरा देश कौन है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भारतवर्ष, हमारा देश। दोस्तों, हमारे देश में ही पी नोट्स एप्लीकेबल हैं। तो एफआईएस जब पैसा यहां लेके आना चाहते हैं, यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनको लगता है कौन इतना पैसा लेके ट्रेवल करेगा। एफआईएस की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हजारों लाखों करोड़ की होती है। एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसा ट्रांसफर करना उनको लगता है एक टीडीएस जॉब है। दूसरी बात, जितना भी ब्लैक मनी है, काला धन जिसे कहते हैं, जो मॉरिशियस में, सिंगापुर में, यूरोप के बहुत सारे देशों में जमा है, जिसके ऊपर पैसा रखने के लिए बैंक को पैसा देना पड़ता है, बैंक ब्याज नहीं देता है। दोस्तों, जी हाँ, आपने सही सुना, बैंक आपको 2% 3% ब्याज देता नहीं है, आपसे आपका पैसा संभालने के नाम पे 2-3% चार्ज कर लेता है। जी हाँ, तो वे लोग क्या करेंगे, पड़ा हुआ पैसा तो बेकार है ना, तो उस पैसे को कहीं लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपने टैक्स चोरी करके उस पैसे को जमा किया है, तो उस पैसे का इस्तेमाल करें कैसे, उस पैसे को व्हाइट करें कैसे। दोस्तों, ऐसा तो कोई एजेंट नहीं है जो 10 लाख करोड़ को व्हाइट कर देगा, ऐसे कोई एजेंट नहीं है। और अगर ऐसे एजेंट होंगे तो सरकार उसे पकड़ लेगी, जेल के पीछे डाल देगी, और लीगल होगा ये सब चीजें, और आप कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। आपने दोस्तों हवाला तो जानते ही होंगे, आपको एक ऐसी इलीगल ट्रांजैक्शन हवाला होती है जिसके थ्रू आप किसी भी जगह बैठे हो आप अपना पैसा ले सकते हैं, आप किसी भी कंट्री में बैठे हो कहीं से भी हवाला के जरिए बहुत सारा पैसा भेज सकते हैं, बट इलीगल रूट है, बिल्कुल बैंड रूट है, इलीगल है। ये सारा पैसा जो हवाला का पैसा है, जो काला धन है, जो ऐसी टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर में जहां पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स की चोरी आप कर पाते हैं, ऐसी कंट्रीज के अंदर में आप छोटी सी एक कंपनी रजिस्टर करा देते हैं, उस कंपनी का कोई नाम पता भी नहीं होता, खाली एक
पेपर्स पे नाम होता है। पीछे ये जो शेल कंपनीज के ऊपर गाज गिरी थी, अगर आपने सुना हो, सेबी ने बहुत सारी शेल कंपनीज के ऊपर में बैन लगाया था। वो क्या था, सिंगापुर में, मॉरिशियस में ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो सिर्फ एक बंद कमरे में चल रही थी, जिसके अंदर टेबल चेयर तक नहीं थे, खाली नाम थे, वो शेल कंपनीज थी, और जिनके नाम पे लाखों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट में लगाए जा रहे थे। ये वो शेल कंपनीज थी। तो सेबी टाइम टू टाइम ऐसे कदम उठाती रहती है ताकि आपकी तरह और मेरी तरह जो आम निवेशक है, रिटेल निवेशक है, उसको नुकसान ना हो। बट फिर भी बाजार को चलाता कौन है? बाजार को चलाने वाले FIIs हैं, आप और हम नहीं हैं। हम तो सिर्फ बलि का बकरा हैं, हम एक साधन मात्र हैं ताकि जब वो एग्जिट करना चाहें तो उनके सामने म्यूचुअल फंड सही है दे दिया जाए। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है, हम और आप हर महीने SIP करते रहेंगे, हमारी बाइंग होती रहेगी, हम कभी भी एग्जिट नहीं करेंगे। जिसको माल बेचना है बेच के निकल सकता है आराम से। फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि ये एक गेम चलता है, एक T20 चलता रहता है FIIs के और म्यूचुअल फंड वालों के बीच में, एक पूरी साजिश है, मुझे लगता है एक पूरा गेम है। चलिए समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट में इतना पैसा कहां से आ रहा है। स्टॉक मार्केट में सारा पैसा FIIs लेके आते हैं। हम देखते हैं FIIs ने पिछले 2 महीने से किसी एक दिन भी सेलिंग नहीं की और हर दिन 2,000-2,500 करोड़ की एवरेज बाइंग की है। 2,000-2,500 करोड़ की एवरेज बाइंग। आपके लिए पढ़ देता हूं कि P-Notes इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूज टू सोर, लगातार बढ़ रही है, क्लाइम्स टू ओवर 63,000 करोड़ टिल जुलाई एंड। मैं ये सिर्फ पुरानी डेट दे रहा हूं, खाली जुलाई तक का डेटा गूगल पे अवेलेबल है। बहुत कोशिश की आपको और लेटेस्ट डेटा देने की, नहीं था। मुझे लगता है दिसंबर आ चुका है तो शायद ही 80-90 हजार करोड़ तक ये इन्वेस्टमेंट जा चुकी है। अब है क्या पहले समझ लें, छोटी सी मेहनत करना सीखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गूगल पे जाके खाली लिखें कि P-Notes है क्या, तो विकिपीडिया का लिंक आपके सामने आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है, अ पार्टिसिपेटरी नोट कॉमनली नोन एज P-Note और PN इज एन इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय अ रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII, जिसे आप कहते हैं, टू एन ओवरसीज इन्वेस्टर हु विशेस टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स विद द मार्केट रेगुलेटर। मतलब सेबी के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। सोचिए, हमें अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें NSE BSE में अकाउंट खोलना होगा, सेबी के अंदर रजिस्टर्ड करना होगा, किसी ब्रोकर का माध्यम लेना होगा, तभी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर ये FIIs बिना किसी सेबी रजिस्ट्रेशन के, बिना कहीं पे रजिस्टर किए हुए आपके देश में पैसा लगाते चले जाते हैं। कौन सा पैसा है ये? दिस इज ऑल ब्लैक मनी अकॉर्डिंग टू मी। आप समझिए दोस्तों, बैकग्राउंड पे नजर डालने की कोशिश कीजिए। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन दी स्टॉक मार्केट्स। मतलब आपने अपना सारा पैसा मॉरिशियस में, HSBC में, डॉयच बैंक में या किसी ऐसे बाहर के बैंक में रखा और वहां से आपने P-Notes इशू करा दिया। पैसा कहाँ है उस बैंक में? वो आपको एक P-Notes, एक कागज का टुकड़ा इशू करके दे देते हैं जिसके ऊपर खाली नंबर्स लिखे होते हैं, लिखा होता है, जैसे अगर आप अपनी जेब में रखे हुए किसी भी नोट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उस पर लिखा होगा आई प्रोमिस टू पे दी बीरर अ सम ऑफ रुपीज 500, अगर 500 का नोट उठा रहे हैं तो उस पर लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। RBI गवर्नर के होते हैं, वो लीगल नोट है, दैट इज ऑल्सो ए P-Note, प्रोमिसरी नोट है वो, एक किस्म का। यहां हम पार्टिसिपेटरी नोट की बात कर रहे हैं। ये पार्टिसिपेटरी नोट वो बैंक इशू करता है जिसके पास वो सारा पैसा है। वो कागज का टुकड़ा लेके ये FIIs आपके देश में आते हैं, ब्रोकर को देते हैं, लीगल है आपके देश में। जी हाँ, कांग्रेस सरकार ने इसको लीगल किया था। जी हाँ, कांग्रेस सरकार ने इसको लीगल किया था। तो आपके देश में ब्रोकर P-Notes को देख के खुश हो जाते हैं और आपको बाइंग करने की इजाजत दे देते हैं। दोस्तों, ब्रोकर उस P-Notes के दम पे आपको बाइंग करने की इजाजत दे देते हैं। मतलब पैसा वहां रखा हुआ है जो कैश M2M सेटल करना होता है, M2M वो लोग सेटल करते रहते हैं, बट बेसिक बाइंग जो है वो P-Notes के बेसिस पे, एक किस्म की FD, एक किस्म की बैंक गारंटी, आप कह लीजिए एक किस्म की बैंक की गारंटी ही है जो फॉरेन बैंक ने आपको दी है उस कागज के टुकड़े पे। ये है P-Notes। 2007 पे अगर जाएं, 2007 में क्या हुआ था दोस्तों, लेमन क्राइसिस आपको याद होगा। जी हां, 2007 की नजर देखिए, 16 अक्टूबर 2007 को सेबी प्रपोज्ड curbs on participating notes which accounted for roughly 50% of FII investment in 2007। मतलब 2007 में जो total FIIs की investment थी उसका 50% हिस्सा सिर्फ P-Notes से ही आ रहा था, जिसके ऊपर सेबी ने कुछ नकेल कसी, उसको रोका गया। ठीक है, इसको FIIs ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और क्या हुआ, अगले ही दिन धड़ाम बाजार एकदम ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, बाजार में सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक हो गया था दोस्तों। सेबी वॉज कंसर्न अबाउट P-Notes बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू नो हु नोज द अंडरलाइंग सिक्योरिटीज एंड हेज फंड्स
कनेक्टिंग थ्रू पी नोट्स माइट देयरफॉर कॉज वोलेटिलिटी इन द इंडियन मार्केट्स। मतलब सेबी को लगता था कि जो हेज फंड्स जितने भी पी नोट्स के दम पे बाइंग कर रहे हैं वो बाजार में बेवजह की वोलेटिलिटी लेके आ सकते हैं, और ये तो पता ही नहीं है कौन क्या बाइंग कर रहा है। पी नोट्स पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, बिना किसी नाम के वो कागज का टुकड़ा होता है दोस्तों। जिसके हाथ में वो पी नोट्स है वो एफआईएस है, वो उसके पास वो हजारों लाखों करोड़ की बाइंग करने की ताकत है। तो सोच लीजिए, अगर वो कागज का टुकड़ा अगर आपके हाथ में लग जाए तो आप उस पी नोट के मालिक हैं, क्योंकि उस पे कोई नाम नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको आगे पढ़िएगा बिल्कुल। However, the proposal of SEBI was not clear and this led to a sudden crash when the markets opened on the following day 17th October 2007. अगले दिन मार्केट ने इसको बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया, बाजार धड़ाम हुई, क्रैश हुआ। Within a minute of opening of trade, the BSE Sensex crashed by 1744 points, 1800 point के आसपास within a minute, एक मिनट के अंदर क्रैश हुआ। ये पहली मर्तबा था दोस्तों जब मार्केट रोक दी गई थी, मार्केट में लोअर सर्किट लगा था, जो आज तक लोग सोचते हैं कि लोअर सर्किट लगेगा, मार्केट में अपर सर्किट लगेगा, वो सर्किट के दिन मार्केट में देखने को नहीं मिले बहुत टाइम से। यहां पे आफ्टर द मार्केट्स ओपन एट 10:55 AM दे स्टैक्ड द कमबैक एंड एंडेड द डे एट 18715, थोड़ी सी रिकवरी हुई। दोस्तों सुबह जब मार्केट में सर्किट लगा था उसके बाद मार्केट खुली थी 10:55 पे। सोचिए 9:15 बजे मार्केट एक मिनट के अंदर क्रैश कर गई थी, मार्केट में सर्किट लगा था, लोअर सर्किट लगा था, और मार्केट 10:55 तक नहीं खुली थी। ये था इफेक्ट जब पी नोट्स के ऊपर सिर्फ एक बैन, एक कर्व, एक नकेल कसी गई थी। बाद में उसके ऊपर क्लैरिटीज दी गई, उसमें कहा गया कि चलिए हम इसको बैन नहीं कर रहे हैं, हम इसके रेगुलेशन पे काम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है, आप बताइए कि किसने क्या क्या बाइंग की गई है। 6 महीने का टाइम इनको दिया गया, बट जब तक बाजार संभला नहीं था, बाजार में एक अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी थी। दोस्तों क्या अभी भी ऐसा हो सकता है? क्या ये बबल अभी भी फूट सकता है? क्या पी नोट्स के ऊपर आज भी दोबारा बैन लग सकता है? मुझे नहीं मालूम दोस्तों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या हमें ऐसी वी-शेप रिकवरी के ऊपर बैठ जाना चाहिए, आंख मूंद के बैठ जाना चाहिए। सोच के देखिए, चारों तरफ हाहाकार है। कल एक न्यूज आई थी कि यूके ने लंदन में और बहुत सारी स्टेट्स में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया। क्यों? अगर आपको लगता है कि आपकी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, 90% अप्रूवल्स आ चुके हैं, खाली 10% बचे हैं, पहली स्टेज में यहाँ इंजेक्शन दिए जाएंगे, दूसरी स्टेज में यहाँ वैक्सीन दी जाएगी, अगर आप इतने तैयार हैं तो आपको डरने की जरूरत क्या है? आप लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं? दोस्तों आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, बड़े बड़े देश लॉकडाउन लगा रहे हैं, वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पूरे लॉकडाउन में जा चुकी हैं। आज सुबह की ही न्यूज़ है कि लगता है कि कोरोना वायरस का एक नया रूप सामने आ रहा है, जिसकी वजह से यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, बहुत सारे देशों में हाहाकार वापस मच रही है। क्या बाजार के गिरने का संकेत आपको मिल रहा है, या बाजार के प्रॉफिट बुकिंग का संकेत आपको मिल रहा है, या हम सोचे कि नहीं बाजार यहां से इसको भी वेलकम करेगा और बाजार इसको डिस्काउंट करके 18,000-20,000 चला जाएगा? दोस्तों मार्केट 18,000 होगी, कोई शक नहीं है, मार्केट 20,000 होगी, कोई शक नहीं है, मार्केट 15,000 होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, बट 7,500 का बाजार ऑलमोस्ट 14,000 कुछ महीनों के अंदर हो गया, हजम नहीं होता। लोग फिर से इसकी ट्रॉलिंग कर सकते हैं कि देखिए चलिए ये तो 11,772 से बेच के बैठा था। दोस्तों लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा, 11,772 एक ऐसा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि अगर 11,772 टूटता है तो मार्केट में एक क्रैश आएगा, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी अच्छी खासी। मार्केट ने 11,772 को जो एक रेजिस्टेंस एरिया था उसको सपोर्ट बनाया और बाजार निकल गया। एफआईएस ने अंधाधुंध बाइंग की, पी नोट्स के थ्रू 63,000 करोड़ की बाइंग तो खाली जुलाई के महीने तक कर चुके थे, उसके बाद दिसंबर तक का जो डेटा जब पब्लिक होगा आप हैरान हो जाएंगे। हो सकता है आपको लगे कि पूरी बाइंग पी नोट्स पे की गई है, मतलब आपका पैसा आपके देश में है, यूरोप में है, स्विट्जरलैंड में है, जितनी भी टैक्स हेवन कंट्रीज में वहां पे है, यहां पे सिर्फ पी नोट्स के दम पे बाइंग कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग वापस आ सकती है। 7,500 पे खरीदा हुआ माल आप 13,000 पे बेच सकते हैं। जी हाँ, एफआईएस अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं लगा है, खाली पी नोट्स लगे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर प्रॉफिट बुकिंग करने पे आ गए तो बाजार कहीं भी जा सकता है, अगर वो यहां से और कंटिन्यू बाइंग करते चले गए तो भी बाजार कहीं भी जा सकता है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको संभल के काम करना चाहिए, जो फेक सिग्नल्स हैं, जो फेक रिकवरीज हैं, जो बबल है उस पर बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज में अपने प्रॉफिट को बुक करके बाहर जरूर आना चाहिए, कैश में जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि जब बाजार गिरेगा तो बता के नहीं गिरेगा। दोस्तों 21 दिसंबर का दिन है, फिर से एक मंडे, निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा एक ही दिन में गिर चुकी है। अभी तक निफ्टी 500 पॉइंट चढ़ी नहीं थी, धीरे धीरे 200 पॉइंट करके चढ़ रही थी। एक झटका बाजार ने आज दिया, एक झटके में आप दहल गए, एक झटके में आप परेशान हुए। दोस्तों डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, अगर आप जो लोग ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं, जो लोग चार्ट की अच्छे से स्टडी करते हैं, जो लोग इन पॉइंट्स को देख के रखते हैं, और जो लोग इमोशनल नहीं होते वो बाजार में हमेशा कामयाब होते हैं। लॉस बुक करना भी आना चाहिए, बाजार में लॉस बुक करना आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लॉस प्रॉफिट बाजार का हिस्सा है, बाजार में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पूरी जिंदगी
ही मिलेगी। 18-19 साल से मार्केट को मैं देख रहा हूं, निफ्टी को 2000 से देखता आ रहा हूं, निफ्टी को 12,000-13,000 तक निफ्टी को देख लिया मैंने। मेरे से पुराने लोगों ने निफ्टी को और भी नीचे देखा होगा, उन्होंने भी सारे हिकअप्स और बाउंसेस देखे होंगे। तो बाजार में हम लोगों ने, हमारे जैसे एक्सपीरियंस लोगों ने यह पाया है कि बाजार कभी भी आपको निराश करके नहीं जाता। अगर आप एक समझदार निवेशक हैं, पढ़े लिखे निवेशक हैं, एक अच्छे ट्रेडर हैं, अच्छे ट्रेडर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसका भी रूल बनाना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन फॉर्म करना पड़ेगा। डिसिप्लिन से की गई कोई भी चीज खराब नहीं होती है, पर हम और आप हमेशा डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। हम आज इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कल स्विंग ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, फंस गया माल तो इन्वेस्टर बन जाते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों? आप मनी मैनेजमेंट कीजिए, आप 80% पैसे को मनी मैनेजमेंट करके इन्वेस्टमेंट में लगाइए, 20% पैसे से मजे लीजिए ट्रेडिंग करने के, या 90% को इन्वेस्ट कीजिए, 10% से मजे लीजिए ट्रेडिंग करने के। मजे लेना क्यों कह रहा हूं, जब तक आप किसी चीज को एंजॉय नहीं करते ना, आप उसकी सक्सेस को नहीं चख सकते। आपको उसको मजे लेना आना पड़ेगा। टेंशन में काम करेंगे, किसी से पैसा उधार लेके काम करेंगे, किसी से बोरो करके काम करेंगे, नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सीखिए, समझदार निवेशक बनिए, खूब सारा टाइम स्टडी में लगाइए। ये बाजार आपके लिए सरप्राइज हमेशा देता है और आज भी सरप्राइज करेगा। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। दोस्तों अच्छा हो तो इस वीडियो को इतना फैला दीजिए तो जितने भी लोग बाजार से जुड़े हुए हैं उनको पी नोट्स का मतलब समझ में आ जाए। दोस्तों ये मैं हेल्प आपसे चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाएं, ताकि पी नोट्स का लोगों को पता लगे और लोग थोड़ा सा समझदार होकर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।